हे गाइस व्हाट इज अप, यार दिस इज क्रिश फ्रॉम त्रिपुरा। तो गाइस मैं त्रिपुरा लेके फिर से बात कर रहा हूँ बाबा की दबा की जो स्कैमिंग्स के ऊपर ही। पिछले मैंने आज एक और वीडियो अपलोड किया इसके ऊपर। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो, मतलब फुल स्टोरी देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी 3 वीडियो है इस फुल स्टोरी के ऊपर, जाके एक बार देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। नहीं तो फुल बहुत बड़ा स्टोरी है, मैं फिर से स्टार्ट करूँ तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो बेसिकली ये बाबा की दबा के ऊपर कुछ वीडियो कुछ यूट्यूबर ने रिएक्शन भी दिया उसके ऊपर, मतलब वो सब रिएक्शन में आप लोग अभी दिखाने वाला हूँ, एक एक करके आप लोग देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग पता है बहुत सारे गौरव की, मतलब जो स्वाद ऑफिसर का नाम था उसका मेन नाम था गौरव। तो बहुत लोग सोच रहे थे कि गौरव जोन स्कैम क्या था, तो इसके ऊपर गौरव ने कुछ अपने रिसेंटली ब्लॉग में कुछ ये कहा। तो अभी सीन ऐसा क्या चल रहा है यूट्यूब पे, हो रही है कॉन्ट्रोवर्सी बहुत बड़ी कि उस गौरव वसन ने बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है और उसके अकाउंट में आए थे 20 लाख और वो बाबा को खाली 2 लाख रुपए दे रहा है। उसको एक जगह साइड रखते हैं, बट जो सारा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि पब्लिक कंफ्यूज हो गए कि कौन सा गौरव है जो स्कैम करके गया। तो सारे गौरवों को लपेटे में ले लिया है भाई, सारे गौरवों को लपेटे में मत लो। यूट्यूब पे लाखों गौरव है, जैसे मेरा यूट्यूब पे है गौरव जोन, उसका है जिसने स्कैम करा है, उसका यूजर नेम है गौरव स्वाद ऑफिशियल, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करो, मैंने कुछ स्कैम नहीं करा। ये चल रहा है, ये बहुत ही गंदा चल रहा है, इसलिए मैं डोनेशन कभी प्रमोट नहीं करता अपने व्लॉग्स में। मेरा मानना ये, अगर आपको किसी को हेल्प करना है तो उसका खाना खाओ, क्योंकि खाना, मेरा मानना ये था बाबा के यहाँ पे कोई लोग आते आते खाना खाते रहे ना, तो उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी कंटिन्यूस। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा मैटर क्या है। देखिए आप लोग इसके ऊपर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना। देन योर स्टोरी, मतलब देन फिर से क्या है फ्लाइंग बीस्ट अपने रिसेंटली ब्लॉग में, जिसे आप लोग देख सकते हो। धावा जो बहुत फेमस हुआ है, वीडियो आप लोगों ने पता नहीं देखी कि नहीं देखी, कि कैसे कुछ लोग इमोशनल करके फ्रॉड कर दिया। तो बाबा के ढाबा में जितने भी डोनेशन आए थे देश भर से, क्योंकि मैक्सिमम लोग कहते हैं हम दिल्ली में नहीं, हम ऑनलाइन भेज देते, ऑलमोस्ट ऐसा कह सकते हैं कि हाँ वो बाबा तक नहीं पहुँचे, या जो पहुँचे भी हैं वो उस वीडियो बनने के बाद अफरा तफरी में ऐसा पता चल गया है। तो भाई देखो, आप लोग समझदार हो, सोच समझ के काम किया करो। ठीक है, इसके बाद आप लोग पता है स्वाद ऑफिशियल ने जो एक प्रूफ दिया था IGTV पे, अगर आप लोग पता है तो मैंने पहले वीडियो जाके चेक कर सकते हो, उधर है कि ये सब इतने इतना डोनेशन आया। तो इसके ऊपर एलविश ने एक क्लियर कट वीडियो अपलोड किया, प्रूफ देख सकते हो, मतलब काइंड ऑफ रिप्ले वीडियो। तो ये देखने के बाद आप लोग ये सब कुछ पता चल जाएगा इस फुल स्टोरी के ऊपर। तो ये हमारे लाइव आए, उन बाबा के नाम पे डोनेशन लिया, मैं कह रहा हूँ कि खा गए वो खाई गए, पर चलो कोई बात नहीं। गौरव भाई हमारे लाइव आए थे, उन्होंने उसमें बोला, प्लस एक इंटरव्यू में भी बोला कि 20 लाख रुपए की डोनेशन आ चुकी है बाबा के नाम पे। 30-40 हजार रुपए की तो बात छोड़िए, मतलब इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है। बाबा आपके नाम पे लोगों ने भेजे हैं 2,33,677 रुपए। अब तो सच बोल दे बड़ी के। फिर वो बाबा के नाम पे FD करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। और उधर बाबा से हम पूछ रहे कि बाबा कितना पैसा आ गया तेरे पास। बाबा कह रहा भाई हमको तो जो पब्लिक कैश वैश देके जा रही है उसके अलावा एक भी रुपया नहीं आया है। तो यार गौरव भाई से हमने पूछा, भाई यार बाबा तो कह रहे बाबा के पास पैसा ना पहुंचा, तो कह रहे हैं कि भाई मैं बाबा के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर वो भी नहीं करवाया, कह रहा मैं बाबा को कैश दिया हूँ। लक्ष्य ने वीडियो निकाली कि भाई 2 लाख रुपए कहां गए वे जो आए थे बाबा के नाम पे। तो अगले ही घंटे भाई ने वीडियो डाल दी बाबा के साथ, ऐसे चेक पकड़ रखा उनका, बाबा ये देख लो भाई बाबा के पैसे हमने बाबा तक पहुंचा दिए। और बाबा से ही बात कह रहा कि बाबा तेरा मेरा हिसाब क्लियर है ना। उधर बाबा भी बेचारा नुकारा नुकारा, हाँ बेटा तेरा मेरा हिसाब क्लियर है, कोई बात नहीं, चलो तेने 2 लाख रुपए दे दिए, बहुत अच्छी बात है, बाकी के 18 लाख रुपए कहाँ है भाई। देखिए अगर आप लोग इस फुल स्टोरी के ऊपर कुछ भी कहना चाहते हो तो सिंपल से कमेंट करके बता देना। अभी तक तो इतना ही हुआ है मेरे को जितना पता है, तो मैंने यार इतना आप लोगों को बता दिया। और एक न्यूज है पबजी को लेकर, मैं उसको कल बताने वाला हूँ ये वो सब। तो अगर इतने आज की इस वीडियो में, तो अभी का आप लोग सिंपल से कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग अच्छा लग गया तो प्लीज डेफिनेटली मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आज अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जय हिंद, बंद मतलब।